सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाकर मनाया जाने वाला त्योहार ईद, ईद उल फितर, जो कि रमजान के पाक महीने के बाद मनाया जाता है। हाँ, एक तरफ चांद का दीदार होता है और एक तरफ बाजारों की रौनक में चार चांद लगे हुए से नजर आते हैं। कपड़ों की नई रेंज, पकवानों की खुशबू, ज्वेलरी, नगीने, कितना कुछ है जो हमारे परिवारों में खुशियां बांट रहे होते हैं। तो जरा इस बार हम भी पहुंचे हैं बाजार में और खरीदारों के मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ईद को शॉपिंग के माध्यम से कैसे स्पेशल बना रहे हैं। इस बार ईद पे क्या स्पेशल है, कुछ ऐसा स्पेशल जो आपको लग रहा है कि इस बार कुछ अलग ही चार चांद लगा रहा है मार्केट में? भाई सब कुछ स्पेशल है ईद पे तो। हाँ, अच्छा। और वैरायटी वगैरह सब बिल्कुल डिफरेंट आई है एक तरीके से, और यहाँ पे सजावट वगैरह भी इस बार थोड़ी स्पेशल हुई है। हाँ, यहाँ हाँ। के जो दुकानदार हैं उन्होंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करके हाँ। लाइटिंग्स वगैरह का इंतजाम किया है। नया सा इसलिए है कि पिछले 2-3 साल से सही से ईद मनी नहीं है जैसी मननी चाहिए। हाँ। 3-4 साल से हाँ। तो इस बार रौनक ही कुछ अलग है। अच्छा अच्छा, किस किस तरह का कलेक्शन हर बार ईद में बदलता है या नया नया आता है, तो आप लोगों के यहाँ भी नया कलेक्शन होता है, कैसे क्या होता है स्पेशल? भाई जान देखिए, कॉटन के अंदर तो कलेक्शन वही रहता है, थोड़ी बहुत डिजाइन चेंज होते हैं, बाकी इस बार नायरा कट ज्यादा चला है। अच्छा। जैसे आपने नाम सुना ये रिश्ता क्या कहलाता है, बहुत चला है, लोगों को बहुत परेशान भी करा है उसने और पसंद भी बहुत करा है लोगों ने उसको। स्पेशल जो है नायरा चला है, ये देखिए इस टाइप का। हाँ। बहरहाल सूट तो चलता ही है। हाँ। परमानेंट सूट चलता है ये। हाँ। 12 महीना सूट चलता है ये। हाँ। और नायरा ज्यादा चला है, पॉपुलर ये है नायरा, और गरारा है, लहंगा फ्रॉक है, और गाउने हैं। अच्छा। और कॉटन के सूट हैं और पाकिस्तानी भी सूट है। अच्छा। इंडियन सूट है, उसमें कॉपी होता है पाकिस्तानी के नाम। सोशल मीडिया पे जो ट्रेंडिंग होता है, वायरल होता है, वो मार्केट में भी पहुंच जाता है। बिल्कुल 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 सर। अच्छा, ईद के लिए आपके हिसाब से अपने दिल्ली का सबसे बेस्ट मार्केट जहां पर लोगों को लगता है कि ईद की शॉपिंग के लिए लोग पहुंचते ही पहुंचते? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद। जामा मस्जिद की जो रौनक है वो शायद दिल्ली में आसपास में आपको कहीं ना मिले। आप यहां आ जाएं, दिन में 2 बजे आ जाएं, रात में 2 बजे आ जाएं, सब लोग आपको यहां पे जिंदा दिली के साथ त्यौहार को मनाते हुए मिलेंगे। जामा मस्जिद। जामा मस्जिद, ये मैंने बहुत लोगों से सुना। बिल्कुल, जामा मस्जिद स्पेशल है, सबसे टॉप पे है। कुरैशी के कबाब हो गए, असलम का बटर चिकन हो गया। हाँ। और मोहब्बत शरबत हो गए। हाँ, हाँ, हाँ। ये सारी चीजें है। आप आए यहाँ पे खाने से लेके आपको वैरायटी, पहनने ओढ़ने से लेके, बच्चों से लेके, सबकी वैरायटी मिलेगी आपको। एक एक चीज, एक जगह ऐसी जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ जाके तो खाना ही खाना चाहिए? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन, बिल्कुल। क्या स्पेशल है वहाँ का? चिकन फ्राई बहुत स्पेशल है और वहाँ की चटनी स्पेशल टू भी स्पेशल है। भीड़ तो बहुत पड़ती हो? बहुत ज्यादा भीड़ पड़ती है। अगर आपको खाना है ना तो हाफ एन आवर तो एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, हमें नॉन वेज खाना होता है तो हम लोग जामा मस्जिद पे जाते हैं। देन वहाँ पे मीठा भी अच्छा मिलता है, खीर वीर वहाँ पे मिलती है, वो चीज़ हम लोग लेते हैं। शाही टुकड़ा मिलता है एंड अपना शीरमाल मिलता है, वो भी हम खा सकते हैं। अच्छा, रोजा के बाद आप ईद पर क्या खाना पसंद करते हैं? पकौड़ी है या किसी भी चीज की हो तो वो आम दिन में नहीं खा पाते, मगर इसमें तकरीबन हर आदमी खा लेता है। एक मालिक की तरफ से थोड़ी सी गुंजाइश भी रहती है, लोगों की, लोगों पैसों की भी सपोर्ट रहती है और लोग घर में भी बना लेते हैं। रोजे के बाद, रोजे के टाइम तो आपको पता ही है खजूर। हाँ। से जो रोजा खुलता है। बिल्कुल। फिर उसके बाद में मतलब आप सारा दिन से भूखे रहते हैं तो। हाँ। वो इतना ज्यादा कुछ खाने का मन तो नहीं करता, फिर भी जो भी ठंडा अच्छा लगता है। शरबत, शाही टुकड़ा। शाही टुकड़ा आपको क्या पसंद है? मेरे को जिस हिसाब से मौसम है उस हिसाब से मैंगो शेक वगैरह बहुत अच्छा लगता है। मीठे में तो देखिए तकरीबन हर चीज़ चलती है, मिक्स मिठाई वगैरह चलती है, अपना बर्फी वगैरह होती है, गुलाब जामुन, लड्डू, ये तो ट्रेडिशनल है जो हमेशा से चला आ रहा है और हमेशा तक चलता ही रहता है। अच्छा, वो तीन चीज़ें जो आप ईद पे करते ही करते हैं या खरीदते ही खरीदते हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं खरीदी तो फिर ईद अधूरी है? कपड़े, सेवैयाँ और ईद की तैयारी में बच्चों को कपड़े हो गए, घर वालों के लिए कपड़े हो गए, सेवैयाँ हो गई और क्या, खजूर हो गए। जैसे कि हमने शूट हो गया, मेकअप का पूरा सामान हो गया, आपके सैंडल वगैरह, हम सब चीज न्यू लेते हैं, ए टू जेड। मेन सूट पहनता है आदमी, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। हाँ। चाहे वो सस्ता सूट हो, चाहे वो महंगा। हाँ। दूसरी चीज जो है वो मेन जो है वो जूते चप्पल लेता है, चाहे वो पूरे साल में ले नहीं ले, ईद के मौके पे तो हर आदमी ख्वाहिश नई की रहती है। और तीसरे नंबर पे जो है वो मिठास या स्वीट्स वगैरह, चाहे वो कोई गरीब आए, चाहे वो कोई अमीर आए। हाँ। तो वो ये तीन चीजें जो है मेरे हिसाब से तकरीबन हर घर में होनी चाहिए। सिमई। हाँ। कपड़े। हाँ। मिठाई वगैरह के लिए, बांटने के लिए।
कपड़े जूते और इतर की शीशी। अच्छा इतर की शीशी, मतलब खुशबू रहे, बेहतर रहनी चाहिए। अच्छा ईद अपने लुक के लिए बड़ा स्पेशल होता है, लोग तैयारी करते हैं कि हाँ इस बार मैं ईद में इस गेटअप को अपनाऊंगा इस तरीके से। क्या सोचा है आपने कपड़ों के मामले में, क्या प्रेफर कर रहे हैं आप लुक्स के मामले में? जोधपुरी। जोधपुरी, हाँ क्या बात। और अपना ये क्या कहते हैं, कुर्ता पजामा और जोधपुरी। कुर्ता पजामा जोधपुरी, जोधपुरी बंद गला बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह। आपका? कुर्ता पजामा बढ़िया है, कुर्ता पजामा पहनो, सुरमा लगाओ, टोपी पहनो, बात ये लगाती है। अच्छा ईद के लिए मैंने कुर्ता पजामा लिया है, आई थिंक सिक्वेंस वर्क का कुर्ता है, देन पजामा है वाइट, देन टोपी तो ईद पे लगाई ही जाती है। कुर्ता बनाया है पैंट। अच्छा तैयार हो गए, मतलब तैयारी कर लिया आपने कपड़ों की। अच्छा एक आखिरी सवाल पे मैं आना चाहूंगा, इस बार ईदी के तौर पर क्या गिफ्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनों से? ईदी के तौर पे अच्छी दुआएं। अच्छी, अरे तो भाई एंड भाभी मम्मी और अब्बू यही सब देंगे। हाँ। तो अब देखते हैं ईद वाले दिन क्या मिलता है। और आप क्या देने का सोच रहे हैं अपनों को? अपनों को पापा को अपने फोन दे रही हूँ। अरे वाह, फोन गिफ्ट कर रही हूँ। पैसे तो देते ही हैं, पैसे तो मेन ही होते हैं ईदी के, जब पैसे नहीं दिए तो वो ईदी लगती ही नहीं। तो देखा आप लोगों ने, लोगों में कितना उत्साह है, कितना जोश है, कितना उमंग है इस बार ईद को लेकर। कुछ ऐसी है तैयारी त्योहार की, कुछ ऐसी है तैयारी ईद की। किसी को जामा मस्जिद का स्वाद पसंद आया है तो किसी ने चांदनी चौक को चुना है अपने कपड़ों की शॉपिंग के लिए। नए नए तरह की वैरायटीज आई हैं इस बार ईद पर। जरा भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी तैयारी क्या है इस बार त्योहार की, आपकी तैयारी क्या है ईद की। इंतजार रहेगा आपके कॉमेंट का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमारी खास पेशकश तैयारी त्योहार की, कुछ और वीडियोज भी आपके सामने आते रहेंगे। फिर होगी मुलाकात, तब तक ख्याल रखिए अपना। ईद मुबारक।